विधायक जी, एक मोहल्ला है जनकपुरी, उसमें बीजेपी का बहिष्कार का बोर्ड लगे हुए, क्या मामला? मुजफ्फरनगर क्षेत्र में एक मोहल्ला है जनकपुरी, वहाँ बहुत गहरा क्षेत्र पहले था, तालाब की ज़मीन थी, उस पर नगर पालिका के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं कि लोगों को मकान खाली करने हैं, और वे नोटिस नगर पालिका द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को भेजे गए और सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जारी हुए। इस संबंध में मैंने जनकपुरी मोहल्ले वालों से बात की, उन्होंने बताया कि 25-30 साल से हमारे पास बैनामे हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स भी नगर पालिका में देते हैं, तो हमने इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट को अवगत करा दिया है कि उन्हें किसी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई उसके अंदर ना हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के भी निर्देश हैं कि जो लोग लंबे समय से ऐसी विवादित जगह पर रह रहे हैं उनको बेदखल नहीं किया जाएगा, जो लोग गरीब हैं उनकी मदद सरकार करेगी, और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ ना हो। तो उन्होंने उनसे बातचीत भी की है, मैं वहाँ मोहल्ले में गया भी हूँ और वे निश्चिंत हैं, और ये बात उनको बता भी दी गई थी, लेकिन एक दो लोग उनको राजनीतिक दृष्टि से उकसाने का काम कर रहे हैं। मेरा ऐसे लोगों से निवेदन है कि वे निश्चिंत रहें, उनकी मदद की जाए। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत मदद ये मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है, सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ है, तो सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट को हम कोई ऐसा निर्देशित नहीं कर सकते कि आज ही उस चीज़ पे कार्रवाई खत्म कर दें, उनके पास बाकायदा जवाब जाएगा, अपना पक्ष में लोग रखेंगे, अभी तक उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है, ये अपना पक्ष रखें तो उस संबंध में फिर कार्रवाई आगे होगी।